चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद भी नेताओं का विवादित बयान देने का सिलसिला जारी है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दिया है। उमा भारती ने प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के जरिए प्रियंका पर निशाना साधते हुए ये विवादित बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि एक चोर की पत्नी को आप किस नजर से देखते हैं? जिसका पति चोरी के आरोप में हो, वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। वो अपनी पार्टी के, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जितना चाहे उतना चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अमेठी का जो मीडिया के द्वारा फील आया उसके बाद उनने वायनाड का चयन किया, इसका मतलब उनने अमेठी में अपनी हार स्वीकार कर ली। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आजम खान पर चुनाव की तरफ से की गई कार्रवाई पर उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। दोनों के अपराध में अंतर बताते हुए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को योगी के लिए उमा भारती ने अन्याय बताया है। आयोग ने जो दंड सुनाया वो योगी जी को और आजम खान को एक जैसा सुनाया, जबकि दोनों के अपराध में बहुत बड़ा अंतर है। एक का तो मामला इतना है कि मायावती जी ने कुछ कहा और उसके रिएक्शन में योगी जी ने कहा और उन्होंने भगवान का नाम लिया, किसी महिला का या किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने किया है उसके हिसाब से तो उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सिर्फ बोलती बंद कर देने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारतीय दंड प्रक्रियाओं के अंतर्गत भारत की महिलाओं के अपमान करने के जितने भी कायदे कानून होते हैं वो सब उन पर लागू होने चाहिए और उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। मैं फिर कहूँगी कि आजम खान और योगी जी को एक समान लेखना, एक पासंग बिठा करके दंडित करना, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और जो गलती आजम खान ने की है उसकी तुलना तो भारत में किसी भी अपराध से नहीं हो सकती।